जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं ये क्लास 12 के लिए है, 10.3 इसमें बताएंगे, समझ गए। ये जो है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन से बताया जाएगा आपको, एक नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। क्या है कहा जाता है, क्वेश्चन है आपका दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण आपको दिया हुआ है। तो क्या है √3 एवं 2 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, और ए और बी के बीच जो थीटा है वह मान आपको निकालना। यानी कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो कोण है वह कोण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यानी बनाना कैसे है सॉल्यूशन, आपको क्या क्या दिया हुआ, जो डाटा दिया हुआ है वो लिखिए। लिखेंगे दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है इस क्या दिया हुआ √3 दिया हुआ, समझ गए। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर बी का परिमाण आपको क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, समझ गए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है √6 दिया हुआ। तो अब आपको निकालना क्या है, तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है, समझ गए। कोण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, कोस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए पूरा डिटेल से एक फॉर्मूला लिखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कोस थीटा होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको क्या निकालना है, कोण, कोण तो थीटा होता है, ये निकालना है। तो इसको इस साइड लिखिएगा तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट इसको पढ़ा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का है, इसको क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कोस थीटा बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखिए आपको क्या निकालना है थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा लिखिए, कोस थीटा बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा क्या हो जाएगा बताइए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। लेकिन आपको निकालना क्या है थीटा निकालना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कोस उस साइड जाएगा तो इनवर्स में होगा, किसमें होगा इनवर्स, तो लिखेंगे कोस इनवर्स। अब देखिए क्या हो जाएगा बटा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। अब इसका मान निकालना, समझ गए, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपको होगा कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है आपको क्या है, तो √6 दे दिए। अब देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान आपको √3 दिया हुआ, तो √3 लिखेंगे इनटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए √6 को आप √3 इनटू √2 भी लिख सकते हैं, और नीचे में √3 रहेगा तो कट जाएगा, इसका मतलब ऐसे जो काटिएगा तो यहाँ पर √2 बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ऊपर में √2 नीचे में 2। अब क्या करेंगे, अब जो है ये आपका, अब देखिए इससे आगे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा कोस इनवर्स √2 को ऊपर नीचे क्या करेंगे अंश और हर में गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो क्या होगा √2 गुना √2 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 थीटा बराबर कोस इनवर्स। अब एक बात आप समझते हैं, कोई भी संख्या रूट में सम रहेगा तो जैसे √2 गुना √2 है तो ये 2 हो जाता है, वर्गमूल वैसे करेगा तो √4 होगा, और √4 का वर्गमूल 2 होगा 2 होगा, तो ऐसे करिए तो करना क्या है इसमें, तो इसको गुना करिएगा तो 2 होगा, 2 बटे 2 गुना क्या हो जाएगा √2, इसको काट देना, अब थीटा बराबर आपको आएगा तो cos इनवर्स 1 बार √2। अब देखिए ये क्या आ गया, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 बाय √2 आया है। अब देखिए थोड़ा सा और, ये जो 1 बाय √2 है ये किसका मान होता है कोस में, तो कोस कितना डिग्री का, तो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है 1 बाय √2 होता है, लिखेंगे कोस 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखा जाता है रेडियन, तो आराम से दीजिए पाई बाय 4
अब देखिए ये लास्ट थीटा का मान निकालना है, तो कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा होता है जो कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा होता है, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच का जो एंगल निकलेगा वह क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दो नंबर का क्वेश्चन बनाना है, ये क्या कहता है देखिए, आप लोग को दिखाई देता होगा। देखिए कहता है सतीश आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करना, जिस प्रकार से क्वेश्चन एक में बनाए हैं उसी प्रकार से बनाना। अरे क्वेश्चन एक में तो मान दिया हुआ था सबका अलग अलग, लेकिन इसमें आपको निकालना, तो समझे। अब देखिए सॉल्यूशन करना है, तो लिखते हैं माना कि वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, समझ गए, मान लेते हैं माना कि वेक्टर ए बराबर क्या है आपका, है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तथा वेक्टर बी बराबर क्या क्या है, तो थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस में के कैप, ये है आपको। तो अब निकालना क्या है, ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो निकालना, थीटा निकालना। तो डायरेक्ट आप लोग कोस थीटा का फॉर्मूला पर ले चलते हैं, तो आप बताइए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा निकालना। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, समझ गए। पहले इसको हल कर लेना है, उसके बाद फिर उसको सेट कर देंगे तो क्या दिक्कत है, समझ गए। अब देखिए तो अब क्या करना है, तो अब आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समझ गए। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड वेक्टर ए अलग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक में ये सब मान दिया हुआ था, इसीलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। अब लेकिन निकालना, तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे नौ, मतलब अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, तो जो रहेगा इसको संगत से मल्टीप्लाई कर दीजिए निकल जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो ए का गुना तीन, तीन हो जाएगा तो तीन लिखेंगे। अब देखिए माइनस दो गुना माइनस दो, अरे प्लस में चार होगा तो प्लस में चार हो जाएगा। अब देखिए तीन यहाँ पर एक है, तीन में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में तीन होगा। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, चार तीन सात, सात तीन क्या हो जाएगा, चार तीन सात तीन दस, तो ये दस हो जाता है। ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल गया है। अब निकालना है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, अब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालने के लिए आप बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं, समझ गए, ये पहले भी सीख चुके हैं। तो अब वेक्टर ए का कैसे निकालते हैं, जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर करके वर्गमूल करना, अरे वेक्टर ए तो यहाँ है तो इसका जो कोफिशियंट होगा, इसका जो गुणांक क्या है, तो सबका गुणांक को स्क्वायर करके जोड़ना, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक एक का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब देखिए वेक्टर ए के बारे में सोच रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, यहाँ पर माइनस दो का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे किसका, तो थ्री का स्क्वायर करेंगे। वेक्टर ए डॉट ये सॉरी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, यहाँ माइनस दो का स्क्वायर तो प्लस में चार होगा, यहाँ पर माइनस नहीं करना, अब तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, नौ एक दस, दस चार चौदह, ये रूट चौदह आ गया है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको अब क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, अब मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालिए। अब देखिए इसका तीन का स्क्वायर करना है, फिर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, अरे तीन प्लस इसका वन का स्क्वायर। अब आप अच्छे तरीका से इसको समझ सकते हैं कैसे किया जाएगा, नाइन हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा प्लस वन, नाइन फोर टेन क्या हो जाएगा, फोर्टीन होगा टोटल, तो फोर्टीन दे देंगे। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए भी आपको फोर्टीन आया है, और नेक्स्ट में क्या मैग्नीट्यूड वेक्टर बी भी 14 आया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आपको सब मान निकल गया, तो एडजस्ट कर देंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट क्या है आपको, तो कोस थीटा बराबर ऐसा करते हैं, मान डायरेक्ट बैठिए ना, बैठाइए इस पर, एडजस्ट करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना निकला है, तो आपको निकला है 10, तो 10 देना है। अब क्या निकला है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए ये आपको रूट 14 निकला है, अरे इसका भी रूट 14 है, कोस थीटा बराबर आपको हो जाएगा 10 बार, ये देखिए रूट 14 है, रूट 14 मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 14 होगा, सिर्फ 14 होगा, ये रूट से हट जाएगा। अब इसको आराम से काटिए तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, कोस थीटा बराबर जो आपको आएगा ये 5/7 आएगा, आपको तो थीटा निकालना है क्योंकि कोण होता है थीटा, ये जो एंगल निकालेंगे थीटा बराबर ये, अरे कोस को उधर भेजना है तो ये इनवर्स में हो जाएगा, कोस इनवर्स 5 अब बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है, समझ गए। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है सो समझिए, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर, देखिए पर भाषा को समझिए, कहता है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रेक्षण ज्ञात करना है, समझ गए, जिस पर कहेगा उसको नीचे में लिखना है। अब देखिए सबसे पहले इसको ए भी मान लेते हैं, तो लिखते हैं सोल्यूशन, मान लेते हैं जो वेक्टर दिया हुआ है ना उसको मान लीजिए ए बी के रूप में, मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखेंगे तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब देखिए भाषा समझिए, तो भाषा कहता है सदिश सदिश यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर ए पर सदिश बी का प्रेक्षण है, यानी जिस पर रहेगा उसको नीचे लिखना है, समझ गए, किस पर है तो ए पर लिखेंगे वेक्टर बी का, ए पर प्रक्षेप, समझ गए, वेक्टर बी का यानी किसका हो रहा है तो बी का किस पर हो रहा है तो ए पर, वो भाषा समझिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए कहता है ये जो है इस पर, किस पर, ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है आपको, तो लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या है तो ए, एक जो लिखे ये ऊपर में रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिस पर कहेगा ना जिस पर उसको नीचे में लिखा जाता है, समझ रहे हैं, जिस पर कहेगा तो जिस पर प्रेक्षण कहेगा तो उसको नीचे में लिखेंगे, यदि यहीं पर बी पर कहता तो बी को नीचे में लिखते, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी होता नीचे में, अब ये समझ में आ गया होगा तो अब बन जाएगा। अब देखिए इसका जो निकालिएगा तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप जानते हैं निकालने के लिए, इसको इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक है तो एक गुना एक एक होगा, यहाँ पर भी एक, इसके कोफिशियंट यानी गुणांक से गुना करते हैं, एक गुना माइनस एक तो प्लस माइनस माइनस एक होगा, बट मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर होगा, एक में से एक जाएगा 0 बट क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया 0/√2 ये 0 आया है, यानी इसका आंसर जो आएगा वह क्या हो जाएगा 0 होगा, समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे जिस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन बनाए हैं, अरे उसी प्रकार से 4 का भी बनाना है तो काहे न बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 4 नंबर का कहता है सदिश आई कैप प्लस 3j कैप + 7k कैप का क्या है, देखिए फिर से सुनिए सदिश आई कैप प्लस 3j कैप + 7k कैप का यहाँ पर है, और फिर सदिश 7i कैप - j कैप + 8k कैप प्रेक्षेप ज्ञात करना है, यानी इसका उस पर निकालना है, तो उसको सबसे पहले ए और बी मान लेते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस
थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप तथा वेक्टर बी बराबर सेवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस में एट के कैप। अब देखिए भाषा फिर से समझिए किस पर हो रहा, अरे जिस पर होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे में होगा, इसमें टेंशन क्या बात है। देखिए कहता है सदिश, अब देखिए इसको ए बी के रूप में समझिए, सदिश यानी वेक्टर ए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रेक्षम यानी किस पर हो रहा, तो बी पर, इसका मतलब बी को नीचे ले जाना है। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रेक्षण, समझ गए, प्रक्षेप होगा। देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट किस पर हो रहा है, तो बी पर, अरे बी पर हो रहा है तो बी को नीचे रखिए, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब तो समझते हैं किस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, तो इसको संगत से गुना कर देना है, तो यहाँ पर हुआ यहाँ पर सात, तो सात में एक से गुना करेंगे तो सात होगा, आठ नहीं देना है, तीन गुना एक माइनस में, तो माइनस में तीन हो जाएगा और सात आठ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, आठ सत्तर छप्पन हो जाता है। अब बटा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी तो यहाँ पर नजर आता होगा सात का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर करना, अब देखिए सात में से तीन जाएगा चार, छप्पन चार साठ होगा, तो साठ देंगे नीचे में, देखिए सात का स्क्वायर उनचास प्लस वन और प्लस में क्या हो जाएगा अठी चौसठ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हल जो करिएगा, इसका जो प्रक्षेप निकलेगा तो 40, इसको जो है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छप्पन चार साठ हो जाएगा, समझ गए, साठ देना है, साठ बटे क्या हो जाएगा उनचास एक पचास, अब पचास में इसको जोड़िएगा चौसठ को तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, समझ गए, यानी 60 बटे रूट अंडर 114 यही आपका आंसर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, क्यों शर्माते हैं, लाइक जरूर करिए। अब देखिए पांच नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, अब देखिए पांच नंबर का क्वेश्चन, अरे बहुत ईजी है, समझ गए, बहुत इजी है, ये आप बना भी चुके हैं। देखिए पांच नंबर का क्या कहता है, कहता है दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, समझ गए, समझे, क्वेश्चन है आपको दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक को मात्रक सदिश आपको निकालना है, कौन कौन सा मात्रक सदिश है। देखिए तीन तो क्वेश्चन है, सबको जांच करना ये मात्रक सदिश है कि नहीं, अरे यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कैसे समझते हैं ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो एक के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे ये मात्रक सदिश है, और नहीं निकलेगा तो क्या वही बात नहीं समझेंगे, समझ गए। एक नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, पांच का एक नंबर दो नंबर तब उसके बाद तीन नंबर बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, मान लेते हैं, माना कि वेक्टर ए बराबर, आप देखिए वन पास से वन, इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, सब में कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो दो बटे सेवन आई क्या हो जाएगा तीन बटे, अब देखिए इसको मान लेते हैं, माना कि वेक्टर ए बराबर, इसको गुना कर सकते हैं टू बाय सेवन आई क्या प्लस थ्री बाय सेवन जे क्या, अब प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्स बाय सेवन के क्या होगा, ये आपको हो गया। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, यदि ये यदि वेक्टर ए एक के बराबर हो जाएगा, इसका जो परिमाण निकालेंगे एक आ जाएगा तो हम समझेंगे ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और नहीं निकलेगा तो समझेंगे नहीं है, समझ गए। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, समझ गए, तो नौ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है
तो सबके गुणन का स्क्वायर करना है। तो अब बताइए 2/7 का स्क्वायर और प्लस में 3/7 का स्क्वायर, अरे प्लस में 6/7 का स्क्वायर ना करिएगा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, आप अपनी नजरों से देखिए इसको। अब देखिए, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा 49 होगा, 4/49 और प्लस 9/49, अरे प्लस में 36 बटे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझ गए, सही है। 2 का इसका करेगा तो 4/49, अरे इसका करिएगा तो 3 3 9 और 3 2 6 नहीं करना, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 9/49 और 36/49। अब देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड वेक्टर ए तो निकलेगा, तो क्या निकलेगा सो देखना है। 36 4 40 49 होता है, तो 49/49 हो जाएगा। इसको कटिंग करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो √1 और 1 जैसे ही हुआ इसका मतलब 1 आया है। आपको बताया क्या था, यदि किसी वेक्टर का, किसी सदिश का यदि उसका परिमाण जो निकलेगा मैग्नीट्यूड यदि 1 के बराबर होगा तो हम समझेंगे कौन सा वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब आपको कहता है सिद्ध करने के लिए लिखेंगे अतः वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसी प्रकार से हम किसका बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे 2 नंबर का और 3 नंबर का। चलिए इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर इसको। अरे 5 का 2 नंबर का भी बना देते हैं लेकिन 3 का नहीं बनाएंगे, उसको आपको बनाना पड़ेगा, समझ गए। अब देखिए बना देते हैं इसको, इसको मान लेते हैं, माना कि वेक्टर बी है, समझ गए, माना कि वेक्टर बी मान लेते, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपका नाम एस है तो एस मान लीजिए, जो माना मान सकते हैं, मान लेते हैं, माना कि वेक्टर बी बराबर क्या है, अब देखिए 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 3/7 आई क्या, अरे माइनस में 6/7 जे क्या, अरे प्लस में 2/7 के कैप होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, 1 हो जाएगा तो हम समझेंगे मेरा मंजिल मिल गया है, और नहीं निकलेगा तो अधूरे रहेगा मंजिल आपका, समझ रहे हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं, तो सबके गुणन का क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो 3/7 का स्क्वायर और माइनस है, यहाँ पर प्लस देंगे यहाँ पर माइनस होगा, 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब 49 अब प्लस माइनस 6 × -6 इसका मतलब -6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा प्लस में। कहिएगा सर प्लस माइनस माइनस करेंगे, अरे बेवकूफ पहले इसका अंदर में करना है, इन्हें जो प्लस माइनस माइनस करके काम करिएगा ऐसा नहीं करेंगे, पहले इसका अंदर का जो स्क्वायर होगा -6 पावर जो 2 है उसको हल करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। 36 बटा क्या हो जाएगा 49, अरे 4/49 होगा। अब यहाँ से देखिए वेक्टर बी बराबर आपको आएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, 36 4 40 49 होगा, तो 49/49 ये कट करके क्या हो जाएगा, काटिएगा तो वेक्टर बी बर का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा √1, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड परिमाण जो निकला है 1 निकला है। तो इसका मतलब ये जो है कौन सा सदिश होगा, मात्रक सदिश लिखेंगे, अतः वेक्टर बी जो माने हैं क्या होगा, 1 एकमात्रक सदिश है, समझ गए। इसी प्रकार से आप 3 नंबर का बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना, और दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, समझ गए। यदि आपको बन भी जाता है तो फिर भी कमेंट करिएगा सर हम बना लिए, समझ गए। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया हुआ है, समझ गए, और कुछ दिया हुआ है इसमें वेक्टर ए बराबर 8, सॉरी वेक्टर ए नहीं है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर 8, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है, तो वेक्टर
इसमें निकालना है आपको मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी निकालना है, समझ गए? जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, उसके बाद जो निकालना है उसको लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब देखिए छह नंबर का, तो इसको बनाना है तो सॉल्यूशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ गए? गिवन दैट यानी दिया हुआ है कि क्या आपको दिया है, अरे क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है बॉर्डर पर दिया है, समझ गए? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अरे डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, समझ गए? बराबर आठ है, और कुछ दिया हुआ तो है, वेक्टर ए बराबर आठ वेक्टर बी, कोई दिक्कत? अब तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर हुआ और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर हुआ, ये आपका मान निकालना, अरे सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, इसी दोनों में सॉल्यूशन करना है और बनाना है। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्या डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो अब देखिए कैसे करते हैं, तो लिखेंगे नो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, समझ गए? बराबर। अब देखिए वैसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कर भी सकते हैं, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो कैसे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझ गए? अब फिर इसको इससे करना, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, अब प्लस माइनस माइनस होता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझ में आया? अब देखिए इससे करना, यहाँ पर आप कहिएगा सर सर जो है वेक्टर बी है डॉट वेक्टर ए भी लिखेंगे, लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिए तो क्या दिक्कत हुआ, दोनों कोई अंतर नहीं होता है, समझ गए? लेकिन क्रॉस में अंतर हो जाता है, लेकिन अभी यही समझना है इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से कर लिए है, तो अब इसमें क्या करेंगे, प्लस अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस वेक्टर बी और माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होगा, अरे वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब क्या करिएगा, अब बराबर में आठ को काहे छोड़ेंगे, यही तो आपका मेन खजाना है, समझ गए? आठ को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक ले जाना है इसको। अब देखिए, अरे इसको इस पूरा को यानी ये भी सिर्फ न कहिएगा ए को काटे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब देखिए बराबर आठ आ गया है, तो अब कैसे करेंगे, तो अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर, इधर से करिएगा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर आठ हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान आपको दिया हुआ है, और इसमें मान रख देंगे उसका, नहीं समझ में आया क्या, तो अब देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान आपको दिया हुआ है, तो आठ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, आठ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब देखिए स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं समझ में आया होगा, अब देखिए यहाँ पर आठ का तो इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों पर होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान आपको दिया हुआ आठ वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, सबका स्क्वायर करेंगे तो आठ का भी होगा इसका भी होगा, माइनस में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर आठ, अब देखिए आठ का स्क्वायर चौसठ, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर आठ, अब देखिए चौसठ में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा तिरसठ, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर आठ, ये गुना में है तो उस सर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में होगा ना, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर आठ बटा तिरसठ, ये स्क्वायर है, अब समझते हैं जब स्क्वायर बराबर के उस सर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर आठ यानी रूट अंडर आठ बटा तिरसठ, अब देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा आठ को जो वर्गमूल से निकालिएगा तो दो रूट टू हो जाएगा यानी टू रूट टू बटा होगा तिरसठ को करेंगे तो नाइन रूट थ्री,
थ्री रूट थ्री होगा, क्यों होगा, तीन किया नौ, नौ किया सत्ताईस होता है, तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा, समझ गए। देखिए तो गलत है, तिरसठ का नौ सत्या तिरसठ होता है, तो थ्री रूट सेवन होगा इसका, तीन तिया नौ, नौ सत्या क्या तिरसठ, थ्री रूट सेवन, ये आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मान निकल गया है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है इसमें आपको बी का निकला है तो ए का मान निकालेंगे, समझ गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन में रख देंगे तो हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको ए का मान निकालते हैं। यहाँ अब देखिए, यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर भी निकला ना, ए भी निकालना है, तो समीकरण एक लिखेंगे, यहाँ से लिखना है, अब यहाँ से तो लिखेंगे समीकरण किस से, एक से, समीकरण एक आपका है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर तो ये लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा दो बटे थ्री। अब देखिए स्क्वायर इस पर भी है तो इसका भी स्क्वायर होगा, समझ गए, इसका क्या हो जाएगा रूट टू बटे रूट सेवन, इसका भी स्क्वायर होगा, नहीं समझ में आया, अरे पूरे में स्क्वायर है तो पूरे में स्क्वायर दे दिए, बराबर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर करिए, बराबर नहीं यहाँ पर करिएगा तो चार बटे नाइन और दो बटे क्या हो जाएगा सात हो जाएगा बराबर में आठ, बराबर आठ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में चार दूनी आठ नौ सत्तर तिरसठ। अब यहां से देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर, अब इसको भिन्न का जोड़ करना है, तो समझते हैं आप यहाँ पर नहीं कुछ तो वन हो जाएगा, इसका एलसीएम तिरसठ होगा, अब करिएगा तो आठ तिया चौबीस, आठ छः अड़तालीस, उनचास एक पचास प्लस आठ, समझ गए। अब देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर इसको करिएगा क्या हो जाएगा पाँच सौ सोलह बटा तिरसठ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ये स्क्वायर में है उसका जगह क्या हो जाएगा वर्गमूल में होगा, तो रूट अंडर पाँच सौ सोलह बटा तिरसठ, अब इसको आप लोग रूट से निकाल लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए इसको रूट से निकालिएगा क्या हो जाएगा सोलह रूट टू बटे थ्री रूट सेवन, ये भी आपका आंसर है, समझ गए। मैग्नीट्यूड वेक्टर बी भी निकल गया और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए भी निकल गया। अब देखिए आगे का सवाल इसी प्रकार से सात नंबर का आपको बताते हैं, क्वेश्चन देखिए सात नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं, समझे। यहाँ पर है थ्री वेक्टर ए माइनस फाइव वेक्टर बी डॉट टू वेक्टर ए प्लस सेवन वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है, समझ गए। आपको क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है, अरे क्या दिया हुआ है तो थ्री वेक्टर ए माइनस फाइव वेक्टर बी डॉट टू ए वेक्टर प्लस सेवन वेक्टर बी, ये आपको दिया हुआ है और इसका मान निकालना, तो ये डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट आप लोग समझते हैं कैसे यूज किया जाता है, समझ गए। तो कैसे करेंगे बताइए, इसको इससे गुना करना तो लिखेंगे क्या हो जाएगा तीन में दो से गुना करिएगा सिक्स हो जाएगा, सिक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा, समझ गए। क्या
अब देखिए इसको बनाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट से आप बना सकते हैं, इसको गुणा करेगा क्या आ जाएगा 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अब इसको इससे गुणा करना है, क्या आ जाएगा 7 में 3 से गुणा करेगा तो 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब इसको इससे अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यहां पर वेक्टर b डॉट वेक्टर a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेगा तो प्लस माइनस माइनस 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब देखिए 6 इसको जो होगा ये क्या आ जाएगा वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर a का स्क्वायर प्लस अब प्लस माइनस क्या माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह प्लस का होगा, 21 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये हो जाएगा आपका माइनस 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, यही आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, समझ गए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 8 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। देखिए तो स्क्रीन पर नजर आता होगा आपको, देखिए कहता है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या निकालना है बी आपको निकालना है, और इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है सो देखना है। और देखिए कहता है यदि इनके परिमाण समान हो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो, समझ गए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड का मान बी का मान क्या है बराबर, और इनके बीच का कोण थीटा है, इस दोनों के बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2। अब देखिए जो जो दिया हुआ डाटा उसको लिखना है और जो निकालना है उसको भी लिखना है। देखिए कैसे करते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन, समझ गए। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, तो कहता है आपको थीटा बराबर 60 डिग्री, उस दोनों कोण का बीच क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो बीच का एंगल है वह कितना है 60 डिग्री है, समझ गए। और अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको अदिश गुणनफल करते हैं, ये आपको 1/2 दिया होगा, समझ गए। और कहता है क्या, इसमें कहता है दोनों का जो परिमाण निकलेगा जो निकालेंगे वह दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ये आपको निकालना। अब क्या ये आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ निकालना है वेक्टर ए का मान क्या होगा और वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मान क्या होगा और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान क्या होगा, ये सारा आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसमें जो एंगल दिया हुआ इसका मतलब किसका एंगल का यूज करेंगे, तो लिखते हैं cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है इसका होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय क्या होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो डाटा आपको दिया हुआ उसको लिखिए, तो यहां पर होगा cos थीटा का मान कितना डिग्री, अरे 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 1/2 है तो 1/2 यहां पर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर a * मैग्नीट्यूड वेक्टर b होगा। थोड़ा से ना नहीं आएगा, हां हल्का थोड़ा है ये थी अभी लाना नहीं चला अलग कोई भी, यहाँ देखिए क्या आपको 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड वेक्टर a डॉट मैग्नीट्यूड वेक्टर b। अब देखिए इससे आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे, को 60 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है, आराम से 1/2 लिखेंगे बराबर 1/2। एक बात बताइए मैग्नीट्यूड वेक्टर a, अब देखिए इस b को मैग्नीट्यूड वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं, तो a नहीं लिख सकते हैं क्या, चाहे b को निकालना है कि a का मान किसी, ये देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर a लिखे इसी के जगह पर b के जगह पर भी ये दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का मान क्या है इक्वल है, तो यहां पर आराम से दीजिए वेक्टर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर a हो जाएगा।
वन बाय टू बराबर वन बाय टू बाय क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर वन का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसको इससे और इसको इससे करिएगा तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर वन बाय टू गुना वन हो जाएगा वन बाय टू इंटू टू हो जाएगा टू से गुना करेंगे। अब देखिए इसको इसको काट सकते हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर वन का स्क्वायर बराबर वन आएगा। अब देखिए ये जो इस तरह जाएगा स्क्वायर तो ये वर्गमूल में हो जाता है इसका क्या हो जाएगा एक का वर्गमूल। एक बात पता होना चाहिए आपको एक का जो वर्गमूल होता है एक होता है तो एक लिखेंगे। अब देखिए लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड वेक्टर बी दोनों का मान बराबर। अरे बबुआ जब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान एक निकला है तो बी का मान कितना निकलेगा एक ही निकलेगा तो लिखेंगे इसीलिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर बी वन ये भी आंसर हो गया और इसका मान तो आया ही। यही आपका निकालना था मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मान क्या होगा और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मान क्या होगा। आप लोग समझ गए होंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे का सवाल बनाते हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए देखिए कहता है यदि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए किसके लिए वेक्टर ए के लिए एक्स माइनस ए दिया हुआ वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ है बराबर समझ गए आपको किसका मैग्नीट्यूड वेक्टर एक्स का मान निकालना किसका तो एक्स का। देखिए कैसे निकालते हैं तो यहां से देखना है क्या दिया हुआ आपको लिखेंगे दिया है चलिए अब देखिए यहां से डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो लिखेंगे कैसे इसको इससे गुणा करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एस समझ गए। अब देखिए प्लस एक्स क्या हो जाएगा ये सही है। अब देखिए इसको इससे करते क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर एक्स माइनस क्या हो जाएगा माइनस नाइन टू में। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 12 होगा कोई दिक्कत ना। अब देखिए इसको इसको तो काट सकते हैं। अब देखिए इसका होगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर मैग्नीट्यूड लगा करके करिएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा इसका यहां से देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए ये जो है ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा होगा ना यानी वेक्टर ए बराबर क्या है एक क्या ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है वन होता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा कितना हो जाएगा वन निकलेगा कोई दिक्कत नहीं ना चूंकि लिख लीजिएगा चूंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना है वन है क्यों है क्योंकि कह दिया है सवाल में आपको यह एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। अरे जैसे ही यूनिट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वह वन के बराबर होगा इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका तो वेक्टर ए का इसका वन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन बराबर 12 हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर बराबर 12 प्लस वन मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। अब देखिए यहां से जो है ये इस साइड जाएगा स्क्वायर तो रूट में हो जाएगा रूट अंडर 13 होगा यही आपका आंसर है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है समझ गए देखिए लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपको आसान लगेगा नहीं तो बहुत भारी लगेगा आपको। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है
देखिए कहता है यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, b बराबर भी दिया हुआ माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है k कैप, और c बराबर c कैप वेक्टर c बराबर भी दिया हुआ आपको 3i कैप प्लस j कैप है। अब देखिए इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b ये लंब है किस पर, तो c पर लंब है, किस पर लंब है c पर लंब है, तो लैम्डा का मान निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है सो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है सो देखिए दिया है। अरे बहुत तेजी है, आप शुरू से अंत तक देखने का कोशिश करिए, आपको बहुत समय लगेगा। वेक्टर a बराबर क्या दिया हुआ 2i क्या प्लस 2j क्या प्लस में 3k क्या, ये तो दिया हुआ। अरे b बराबर भी दिया हुआ, वेक्टर b का मान देखिए क्या है माइनस में i क्या प्लस 2j क्या प्लस में क्या है k क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए वेक्टर c बराबर भी दिया हुआ 3i क्या प्लस j क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये कहता है किस प्रकार ये जो तीनों वेक्टर दिया हुआ इसका कंडीशन क्या है, तो कंडीशन कहता है तो फॉर्म क्वेश्चन से तो क्या कहता है सो देखिए, ये कहता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, समझ गए ये लंब है, लंब कहने का मतलब लंब है ऐसे वेक्टर c, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझते हैं जब वेक्टर a जब लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर, नहीं समझ में आया। जैसे ही लंब रहेगा कोई भी वेक्टर लंब कब होगा, जब उसका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे लंब। जब लंब है ये लंब है तो इसका मतलब है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंब है, जैसे ही लंब होगा तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर a का मान रखिए क्या 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा किस में, तो वेक्टर b में, देखिए लैम्डा वेक्टर b है ना, तो लैम्डा से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं समझ में आ जाएगा, आप लोग बच्चे नहीं है इतना समझते हैं, समझ गए। लैम्डा और वेक्टर b में आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए प्लस 2 लैम्डा j क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो जाएगा बताइए लैम्डा के क्या हो जाएगा, समझ में आया ना क्या किए, देखिए लैम्डा माइनस यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस i क्या हो जाएगा, फिर प्लस 2 लैम्डा j क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा लैम्डा के क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। अब देखना है डॉट क्या है, तो वेक्टर c, वेक्टर c क्या है, तो 3i क्या प्लस j क्या इक्वल टू 0 के बराबर लाना होगा। अब क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 2i क्या माइनस लैम्डा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i क्या ऐसे करें, फिर प्लस है तो प्लस देंगे 2j, यहां पर 2 लैम्डा k है तो इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, ये j के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3k है यहाँ पर क्या है लैम्डा है, तो लिखेंगे प्लस 3 प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा, क्या क्या। अब देखिए पूरे में क्या हो जाएगा, पूरा में डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, बबुआ 3i क्या प्लस j क्या का बराबर 0। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब क्या करते हैं, अब ये मल्टीप्लाई है मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो i को i वाले के साथ गुना करेंगे, कोफिशिएंट यानी गुणांक को j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ, तो करिए यहां से देखिए तो ध्यान से 2 माइनस लैम्डा में 3 से गुणा करना है, समझ गए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3 हो जाएगा, दिक्कत गुना में इतना तो समझ में आया होगा। ये इसको i को नहीं लिया जाता है, अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा
गुना क्या हो जाएगा, जे जे के जगह पर वन है ना, कोई दिक्कत, प्लस थ्री। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, थ्री प्लस लेमडा। अब इसका तो किससे गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए है क्या कॉमन, नहीं ना है तो न है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब टोटल के बराबर में क्या होना चाहिए, तो टोटल के बराबर में जीरो होना चाहिए, सही है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको इससे होगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री लेमडा प्लस, पोस्ट से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस, इसको एक से गुना करेगा तो वही हो जाएगा टू लेमडा, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखेंगे। अब देखिए सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा एट, यहां से देखिए माइनस थ्री और प्लस में टू, माइनस में लेमडा बराबर जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस लेमडा बराबर माइनस आठ हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, लेमडा बराबर आठ, ये आपका वैल्यू निकालना था लेमडा का, लेमडा का वैल्यू आ गया है आठ, समझ गए। आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, बहुत आसान तरीका से बताएं, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आप ध्यान दीजिए, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन पाते हैं, कहता दर्शाइए, मतलब प्रूफ करना, आपको दर्शाइए जैसे ही कहेगा तो प्रूफ करना, जैसे आप लोग सीख देखते हैं दर्शाइए लिखा हुआ तो छोड़ देते हैं, अरे इसको प्रूफ करना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल सब नहीं है लेकिन अंत तक जरूर रहिए वीडियो। देखिए कहता है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, कौन सा वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, क्या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी है, समझ गए, प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड ए, ये लंब है किस पे, तो दिया हुआ डाटा आपको लिख देते हैं। देखिए दिया हुआ है देखिए आपको डाटा दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो क्या शून्येतर सदिश है, कौन सा सदिश, शून्येतर सदिश, आपको सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना क्या है, देखिए सिद्ध करना है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्या डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ए, ये लंब है, ये क्या है लंब है, किस पर लंब है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए, इस पर लंब है। अब एक बात बताइए लंब कब होता है, ये वेक्टर इस पर लंब कब होगा, नहीं समझ में आया, ये वेक्टर इस पर लंब कब होगा, जब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा तो हम समझेंगे लंब है, समझ गए, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस इसका डॉट क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्या है वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए बराबर क्या होना चाहिए जीरो, ये LHS है ये RHS है, तो आपको क्या आना है जीरो, तो लिखेंगे LHS से, किस से, तो LHS, LHS आपका क्या है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको, डॉट प्रोडक्ट सब सीखिए, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे फिर इसी को इससे, समझ गए करना है, तो लिखेंगे कैसे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, यहां भी है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, तो लिखेंगे डॉट मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें भी करना है,
तो लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है इसी से करेंगे इसमें, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इसको लिखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। अब देखिए बी ए को भी लिखना है, तो लिखेंगे वेक्टर बी क्या हो जाएगा वेक्टर ए। अब इसका पूरा काम हो गया इसका। अब देखिए इसके लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिखेगा बताइए। मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है तो यहाँ पर ए है तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, उसके बाद वेक्टर बी वेक्टर ए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस है तो माइनस देंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का होल स्क्वायर ऐसे होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये पूरा टर्म कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस, देखिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए, समझ गए, यहाँ भी सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में ये माइनस, आप कहिएगा सर इधर बी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, समझ गए, ये पूरा खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो गया तो बराबर में क्या हुआ जीरो आया। और जब जीरो आ गया तो लिखेंगे क्या, तो ये इस पर क्या है लंब, यही आपको प्रूव करना था, लिखेंगे अतः मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए लंब है किस पर, इस पर लंब, यही आपको क्या करना है प्रूव करना है। ये आपको हो गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कहता है आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कहता है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो है तो, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी जीरो, तो सदिश बी के बारे में वेक्टर बी के बारे में आपका क्या राय है, समझ गए आप वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कौन सा वेक्टर होगा। अब देखिए यदि कहता है क्या, कहता है यदि, देखिए ध्यान से सुनिए बात को, कहता यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो, समझ गए, ये आपको कह दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी जीरो होगा, ये कब होगा तो ये जीरो दे दिया ये भी, समझ गए। तो अब कहता है बी के बारे में क्या हो सकता है, कौन सा सदिश होगा। अब देखिए लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो, समझ गए। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड के बराबर वेक्टर ए डॉट इसका क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये बराबर जीरो जीरो आ गया। अब देखिए इसी का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर जीरो आ गया, ये आपका जीरो आ गया। अब बताइए वेक्टर ए का मान मैग्नीट्यूड जीरो है तो वेक्टर बी क्या हो सकता है, तो वेक्टर बी कोई भी सदिश होगा, उसके बाद ना जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो होगा, इसका मतलब वेक्टर बी क्या हो जाएगा सदिश, लिखेंगे अतः वेक्टर बी कोई सदिश होगा। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से आपको समझाते हैं। आपको दिया हुआ डाटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो दिया हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी जीरो ये होगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, पहले वेक्टर ए के बारे में निकाल लेते हैं ये क्या है,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, तो वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर भी 0, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो 0 होगा। जब वेक्टर ए 0 होगा तो वेक्टर बी के बारे में आपका क्या रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का क्या होगा, तो वह 0 कब होगा, तो जब वह कोई सदिश होगा, मतलब एक आपको 0 आ गया है तो वेक्टर बी के बारे में हम कह सकते हैं यह कोई सदिश होगा, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, 0 होगा। वही आपको कहता है वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, तो क्या आप लिखिएगा, लिखेंगे तो वेक्टर बी कोई भी सदिश होगा, कोई दिक्कत ना। अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए, ध्यान दीजिए। कहता है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश है, अरे जैसे ही मात्रक सदिश कहेगा ना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह किसके बराबर, तो 1 के बराबर होगा, समझ गए। यदि कहेगा आपको वेक्टर ए मात्रक सदिश है तो कैसे समझिएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए वह 1 के बराबर होगा, समझ गए। तो कह दिया है ए बी और सी कौन सा है, तो मात्रक सदिश है, तो इस प्रकार है, और कंडीशन में दिया हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होना चाहिए, तो आपको क्या क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्या है बी प्लस बी डॉट सी निकालना है प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसके बारे में लिखेंगे, तो लिखना है सॉल्यूशन दिया है, अरे क्या दिया है सोच समझने का कोशिश करिए। तो वेक्टर ए मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह 1 होगा, यानी वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, अरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्यों होगा, क्योंकि कह दिया है मात्रक सदिश है, अरे कह दिया है यूनिट वेक्टर, इसीलिए होगा। अब देखिए फिर क्या कहता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर 0, प्रतिकर तो आपको निकालना क्या है, निकालना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हुआ, इसका वैल्यू निकालना। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको चूंकि दिया क्या हुआ, यहां से दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका 0 है। अब देखिए जब ये दिया हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो परिमाण होगा इसका वह भी 0 के बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा या 0 के ही बराबर हो जाएगा। ये इसका जो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर होगा तो 0 के बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसी को दो बार लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, समझ गए, ये आपको डाटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का यूज करिएगा, तो ए में इससे गुणा करेंगे, तो वेक्टर ए हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी हो जाएगा, समझ गए, प्लस में क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। अब देखिए बी से कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज, तो लिखेंगे वेक्टर बी प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर ए हो जाएगा वेक्टर बी प्लस इन डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, उसके बाद प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या लिखेंगे, वेक्टर सी वेक्टर ए हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर सी वेक्टर क्या ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी का टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 0 के बराबर हो गया है, समझ गए, टोटल 0 के बराबर हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अरे क्या लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस
ए बी को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ भी है और कहीं है, और देखिए देखिए यहाँ देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, समझ रहे हैं। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और कहीं है, तो वेक्टर सी का ये कि एक कहिए दोनों सेम है तो हो सकता है, देखिए लिखेंगे क्या, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब यहां से देखना है इसके लिए हो गया, समझ गए, ए बी भी हो गया आपका, ए सी भी हो गया, बी ए हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के आसपास हो जाएगा। अब देखिए बी सी, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, सी भी है, तो बी सी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे वेक्टर क्या, टू बी सी प्लस में वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका मान आपको दिया हुआ एक एक लिखेंगे, यहां से यहां तक टू कॉमन ले लेंगे, तो टू कॉमन ले लीजिए आराम से बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस टू बी सी को एक साथ लिख रहे हैं सबको, क्या हो जाएगा यहां से। अब देखिए अब इसको अलग लिखना, अब ये ना इसमें से भी कर लेंगे, इसमें टू तो ना है। अब देखिए वेक्टर बी का जो है इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये वन के बराबर है तो वन लिखेंगे, इसका भी वन है तो वन लिखेंगे, इसका भी जीरो हो जाएगा। एक यहाँ एक दो दो एक तीन हो जाएगा, तीन होगा। अब देखिए टोटल यहाँ पाया है टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस में आप इसको लिख सकते हैं बी सी भी लिख सकते हैं प्लस में क्या हो जाएगा सी ए, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत ना। देखिए एक एक दो दो एक तीन है ये बराबर तो उस साइड जाएगा तो माइनस तीन होगा, समझ गए। अब यहां से ये गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीन वेक्टर दो, यही आपका आंसर है। बहुत अच्छे तरीका से इसको देखिए और ये आप जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सवाल बस यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में, और अब जो है अगला सवाल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।